आज के मार्केट को देख के लगा कि देखिए लड़ना सीखो दूसरों से नहीं खुद से लड़ना सीखो और हार भी जाओगे ना तो उसमें ये चीज़ पता चलेगा कि हमें कमी कहाँ पे है अगर हम उस कमी को पहचान जाएंगे तो फिर मार्केट को जीत जाएंगे लेकिन लोग क्या करते हैं लोग हमेशा मार्केट को जीतना चाहते हैं और खुद को हार जाते हैं लेकिन सबसे पहले खुद को जितना कैसे है वो समझो और वो मैं देखिए आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखो एंड तक देखो एंड आपको जो भी पार्ट अच्छा लगता है उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट में बताओ अब देखिए आज का मार्केट अच्छा मार्केट था आज के मार्केट को मैं बेस्ट मार्केट बोलूँगा क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी अब जैसे कि देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आज के मार्केट में सबसे पहले जो कि मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला एक हमारा लेवल है जो रजिस्टेंट का है और नीचे वाला सपोर्ट का है अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं ये आपको बॉक्स लगा के दिखाता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि बाज़ार एक बॉक्स के अंदर देखिए आ चुका है यानी जो कैंडल आपको देखिए यहाँ पे पाँच तारीख को बना था पाँच अगस्त को उस कैंडल के साथ साथ अगर हम आज के कैंडल को देखते हैं तो सेम जो उसका हाई था पाँच तारीख के कैंडल का पचास, पचास के समथिंग और आज ही कैंडल का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही देखने को मिलेगा पचास तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस था अब जैसे ही देखिए मैं इस चार्ट को लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसको आप यहाँ पे समझिए कि आज हुआ क्या सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए 16 तारीख को 16 तारीख के कैंडल को हम यहाँ पे समझते हैं 16 तारीख के पहले आपको याद होगा कि वहाँ पर देखिए मार्केट इस तरीके के एक जोन में फंसा हुआ था ठीक है एक जोन में फंसा हुआ था और उसी जोन के अंदर काम कर रहा था उसी जोन के अंदर काम कर रहा था और उस दिन जिन लोगों ने कॉल पुट बाइंग किया था उनके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो हो चुके थे क्योंकि बाजार एक जोन के अंदर फंसा था मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ देखिए जी आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एक जोन के अंदर फंसा हुआ था अब यहाँ पर आप कुछ भी बाइंग कर लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक गैप अप के साथ हमको देखने बोला ये एक बड़ा गैप अप था जो कि इस जगह देखिए आपको 16 तारीख को देखने को मिला था गैप अप के साथ ओपन होने के बाद फास्ट सेलिंग आई सेलिंग आने के बाद जैसे ही जैसे आपका देखिए गैप आपका फिल हुआ यहाँ पे अगर आप देखो एक गैप जो हमारा बना था उस गैप को मार्केट ने फिल किया और इस कैंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया था ये इन कैंडल है और प्लस आपकी एक जगह डोजी कैंडल बना जो कि हैमर के साथ आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके के एक देखिए पैटर्न बना जो कि देखिए हम इसको एंड पैटर्न भी बोलते हैं और एंड पैटर्न बनने के बाद जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया जो कि देखिए एक साइकोलॉजी प्राइस हमारा था पचास हज़ार का पचास हज़ार के लेवल को ब्रेक किया एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली अब आज क्या हुआ आज अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपको फाइव मिनट का कैंडल था ये हमारा क्या है फाइव मिनट का कैंडल है आपको मैंने हर बार बताया कि आप कुछ मत कीजिए नौ पंदा का जो कैंडल है उस नौ पंदा की कैंडल में एक कैंडल आप लगाइए जो कि आपका फाइव मिनट का कैंडल है ठीक है फाइव मिनट का कैंडल है और उस कैंडल का आप क्या ड्रॉ कर लीजिए हाई और लो ठीक है हाई और लो आप इस जगह ड्रो कर लीजिए अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वहाँ पे हम सेलिंग करेंगे ठीक है और उसका एसल जो होगा वो हमारे हाई का होगा लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक करती है तो हम लो का एसल लगा के इसमें अपसाइड चल सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे जे वाला जो कैंडल बनाता है यहाँ पे देखिए ये बैरिस कैंडल है बैरिश कैंडल बनने के बाद अगर आप देखोगे तो कई कैंडल जो इसके अंदर बनी वो यहाँ पे देखिए कंसुलेट किया ठीक है यहाँ पे देखिए इसी जगह ये कंसुलेट करता हुआ दिखाई दिया यानी अगर ये कंसुलेट करा है और जो आपका नौ पंदा वाला कैंडल है अगर ये इसके हाई को निकाल देता तो हम इसके अंदर अपसाइड की पोजिशन बना सकते थे लेकिन हुआ क्या इस जगह अगर आप देखो तो यहाँ पर जो कंसुलेट किया वो इसी जगह जो समय बिताया वो समय बिताने के बाद देखिए जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया एक फास्ट हमको सेलिंग देखने को मिली और जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं इस जगह बात करूं तो यहां पर जो हमको सेलिंग दिखाई दिया वो इस जगह देखिए चवा इस जगह पचास हज़ार तीन सौ सत्तर के आसपास ठीक है यानी एक फास्ट सेलिंग हमको इस जगह दिखाई दी और मैंने एक और चीज़ आपको बताया था अपने वीडियो में कि नीचे की साइज़ सपोर्ट है ठीक है नीचे हमको फ्रेश सेलिंग नहीं करना है अगर हमने ऊपर की साइज़ सेलिंग कर दिया नीचे हमको फ्लैश सेलिंग नहीं करना है फिर वो सेलिंग हमको जब करना है जब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा क्या था ये सपोर्ट था देखिए ये आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है अब जिस सपोर्ट था तो ये आने वाला हमारा क्या हो जाता है रजिस्टन हो जाता है ठीक है देखिए यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ ठीक है मार्केट ने नीचे काम किया अब जब ये रिटेस्ट करने गया है ऊपर की साइड तो ये हमारा क्या हो गया जी हमारा रजिस्टन हो गया जो कि हमारा पहले सपोर्ट था कितना चीज़ क्लियर हो गई और फिर वहाँ से अगर आप देखते हो वहाँ से देखिए फिर से हमको एक सेलिंग देखने वाली जो कि ऑलमोस्ट देखिए जगह पचास हजार तीन सौ के आसपास ठीक है मतलब चीज़ें हमारी कितनी क्लियर हो जाती है जब हम अपने लेवलों को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं और आप देखोगे तो ऊपर से देखिए छः सौ के लेवल से तीन सौ के लेवल तक यानी आपको ऑलमोस्ट तीन सौ के आसपास का मूव देखने को मिला अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं वीडियो के अंदर ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था थोड़ा उसको अगर आप ध्यान से देखो ना देखिए होता वही चीज़ है जो मेरा काम है वो मैं अपना काम आपको लिए पूरा कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे देखिए चीज़ें मैंने कितनी पब्लिश आपको की थी आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखिए सबसे पहले अगर आपको देखिए लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना है या आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो सभी अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देखो तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अब देखिए मैंने मॉर्निंग में देखिए क्या क्या आपके लिए पब्लिश किया था ठीक है मैं आपको वो दिखा देता हूँ सबसे पहले जिससे जो आपका व्यू है वो क्लियर हो जाए ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हुआ क्या एफ आई एस ने बाइंग किया था डी आई एस ने बाइंग किया था मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपके एफ आई एस बाइंग करते हैं उसको पॉजिटिव उनको लेना है लेकिन एफ आई ए स्टॉक पर आ बाइंग कर लेते हैं और नीचे ऑप्शन में सेलिंग कर देते हैं ठीक है तो वो क्या हो जाता है आपका क्रॉस हो जाता है और जब भी मार्केट के अंदर ये चीज़ें क्रॉस होते हुए दिखाई देती है वो नेगेटिव हमको दिखाई देता है उसके बाद देखिए ऊपर की शायद देखिए मार्केट आ रहा था यहाँ पर देखिए नीचे के लेवल पर आया और नीचे के लेवल पर देखिए मैंने आपको क्या लिखा था कि सबको ले जाएगा तुम्हारा बैंक निपटी ठीक है जो चीज़ मैंने आपको बोला फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एक्सिस बैंक देखिए आपका नेगेटिव था एच डी एफ सी नेगेटिव था आई सी आई नेगेटिव था कोटक नेगेटिव था इंटेस इन नेगेटिव था आई डी वी एस आई फैस बैंक आपका नेगेटिव था एू बैंक आपका नेगेटिव था यानी ज़्यादातर आपके बैंकिंग देखिए यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहे थे और जो लीडर स्टॉक है वो ज़्यादातर आपके नेगेटिव थे ठीक है फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखिए मैंने आपको लिखा था कि जो आपका सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है रजिस्टेंट हो जाता है ठीक है और वही चीज़ें हमको यहाँ पर देखने वाली आप यहाँ पर देखिए आप समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है ठीक है इसको अपन समझते हैं और कल क्या करना है उसको भी अपन समझेंगे यानी 20 तारीख को क्या करना है उसको भी अपन यहाँ पे समझ के चलेंगे उससे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप देखो तो बिल्कुल फ्लैट था यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई या बहुत ज़्यादा मंदी हो गई एस पी एम फाइव हंड्रेड फ्लैट है नेकडेस अगर आप देखो फ्लैट है ठीक है ए डी आर अगर हम बात करें तो ये भी आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है बस बड़ी जो सीलिंग हमको देखने को मिली वो निकई के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिली ठीक है उसके बाद देखिए जो हमारे देखिए इंडेक्स के जो इस जगह देखिए कॉम्पोनेंट्स है यानी जो बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं उनके अगर हम इस जगह बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए जाते जाते क्या हुआ शुरू में आपने देखा होगा एच डी एफ सी देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव था जो आपका पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया ठीक है बाकी और भी स्टॉक है जो पॉजिटिव में क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए लेकिन आपका देखिए यहाँ पे एक्सेस और आपका देखिए इस जगह आई सी आई बैंक ठीक है जो एक ज़्यादा बेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर और इंडेसेंट जो बैंक है वो भी एक परसेंट के आसपास आपका नीचे की साइड दिखाई दिखा दिया अब इसको देखिए देख के क्या हमको समझ में आता है उससे पहले तो आप देखिए वीडियो को लाइक कर लीजिए ठीक है और शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है सबसे पहले आप इसकी हाई से लो तक देख लीजिए कितना सेलिंग आया हाई से लो तक एक सेकेंड हाई से लो तक ठीक है ऑलमोस्ट चार सौ पॉइंटों की सेलिंग आपको देखने वाली फिर उसके बाद जब हम क्लोजिंग कहाँ पे देने में कामयाब हुए ऑलमोस्ट इस जगह 300 पॉइंट नेगेटिव ठीक है लेकिन लो से अगर हम बात करें तो लो से कितना पॉजिटिव हुए 135 पॉइंट ठीक है यानी नेगेटिव ज़्यादा था पॉजिटिव कम था ठीक है क्योंकि 300 पॉइंट हम नेगेटिव में बंद हुए और अगर हम इस जगह बात करें तो नीचे से जो रिकवर हुए वो कितना रिकवर हुए एक पॉइंट ठीक है अब यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग को इस जगह देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका डेढ़ सौ पॉइंट इस जगह दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम हाई के टॉप से बात करते हैं तो वहां से हमको ऑलमोस्ट तीन सौ पॉइंट दिखाई दे रहा है ठीक है अब देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को समझते हैं अगर यहाँ पे देखिए मैं ऊपर से एक टेरेल लाइन इस जगह इसमें लगाते हैं तो इस टेरेल लाइन का देखिए वैल्यू क्या निकल के आता है उसको अपन देख लेते हैं इस टेरेल लाइन को अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट आपका पचास का जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता क्योंकि देखिए एक बाज़ार में नीचे की साइड गैप है यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे गैप हमको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर बैंक निफ्टी इस गैप के इंतजार में है तो ये क्या करके चल सकती है देखिए यहाँ पे समझिए कि अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलिंग आया फिर देखिए एक मूव आया फिर सेलिंग आया फिर मूव आया फिर, फिर सेलिंग आया फिर मूव आया लेकिन नेट नेट अगर आप देखो तो नेट नेट आपको इस जगह बेरीसी दिखाई दे रहा है तो अब हम क्या करके चल सकते हैं अगर ये आपका पचास यानी इसके नीचे इसके नीचे अगर ये बाजार निकलता है ठीक है मैं इस जगह ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट देखे आपका पॉजिटिव रहेगा या लेवल हम जो काम करते हैं मार्केट के अंदर वो लेवल टू लेवल काम करते हैं ठीक है यानी हमको बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा इस लेवल के नीचे देखें हमको थोड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है अब इसके नीचे अगर हम पैनिक होंगे तो कितना पैनिक हो सकता है तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप जो समझिए कि यहाँ पे फिर जो आपको दिखाई देगा वो एक जगह देखिए पचास हज़ार दो सौ फिर आपको एक जगह पचास हज़ार सौ फिर आपको देखने को मिलेगा एक जगह पचास हज़ार का क्योंकि साइकोलॉजी प्राइस है फिर आपका देखिए पचास हज़ार इस जगह फोर्टी नाइन थाउज़ेंड नाइन हंड्रेड और एक जगह देखिए फोटी नाइन थाउज़ेंड एट हंड्रेड इतना हम नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि देखिए हमको नेट नेट अप करना है क्या मार्केट के अंदर नेट नेट हमको इस गैप को देखिए फिल करना है ठीक है अगर बजट इस गैप को फिल कर देगा तो फिर और अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसको अपन क्या करते हैं इसको देखिए वन आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं वन आवर्स के चार्ट के अगर आप पैटर्न को देखोगे तो वन आवर्स के चार्ट का पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है बिल्कुल अगर आप देखिए मैं इसकी एक रेंज इस जगह निकालता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये कितने बार दिखाई दे रहे हैं सत्तर बार यानी सत्तर कैंडल बन चुकी है और इन सत्तर कैंडल के अंदर अभी तक मार्केट रेंज बाउंड है लेकिन इसके नीचे से रेंज अगर हम निकालते हैं इसके हाई में तो ये आपको निकल के आती है एक हज़ार एक सौ बीस पॉइंट की ठीक है यानी एक हज़ार एक सौ बीस पॉइंट आपका इस रेंज में और ऐसे सत्तर कैंडल आपकी बन चुकी है जो कि आपके इसी जोन के अंदर देखिए काम करते हुए दिखाई दे रही है ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आई अब देखिए क्या इसके अंदर बिल्कुल बैरिस हो जाना है बैंक निफ्टी के अंदर तो देखिए बिल्कुल बैरिश तो नहीं होना है कि बिल्कुल हम इस तरीके से बरिस हो गए कि मार्केट तो आप बिल्कुल गिरी जाएगा पैनिक हो जाएगा ऐसा नहीं करना है देखो देखो यहाँ पर आप समझो बारिश आपका मार्केट कहाँ पर होगा इस जगह देखिए आपका इस लेवल के नीचे ठीक है ठीके? जो कि आपका पचास हज़ार तीन सौ लेकिन अभी हम कहाँ पे क्लोजिंग हुए हमारा क्लोजिंग हुआ है पचास हज़ार एक सौ अट्ठारह ठीक है इसके नीचे हमको जाने में कितना पॉइंट हमको चाहिए 118 पॉइंट ठीक है अब ऊपर पॉजिटिव जाने में हमको किसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए पचास ठीक है इसके ऊपर जाने में हमको कितना पॉइंट चाहिए क्योंकि क्लोजिंग हमारी इस जगह हुई है ऑलमोस्ट एक जगह 80 से 90 पॉइंट ठीक है अब देखिए पैटर्न आप समझिए यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ऑप्शन चैन तो ऑप्शन चैन में अपन क्या करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है इसको लोडिंग अपन कर देते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हाँ अब देखिए यहाँ पर एक्सपायरी कब की है आज उन्नीस उन्नीस तारीख है इक्कीस तारीख की एक्सपायरी है और इक्कीस तारीख की एक्सपायरी में यहाँ पे देखिए पचास हज़ार पाँच सौ जे वाला जो प्राइस है इसको बेक कहते हैं पचास हज़ार पाँच सौ वाला ठीक है इस जगह देखिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पचास हज़ार पाँच सौ वाला अगर जी इसको ब्रेक कर देता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ना दो लाख की क्वांटिटी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखाई दे रही है ओ आई का डेटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना दिखाई दे रहा है उनतीस लाख अट्ठारह हज़ार पाँच सौ चार की ओ आई दिखाई दे रहा है कॉल साइड लेकिन पुट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो बाईस लाख बीस हज़ार नौ सौ पचास का दिखाई दे रहा है यानी कॉल के अंदर पोजिशन बहुत हैवी है लेकिन अगर ये पचास हज़ार पाँच सौ को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है जो शॉर्ट कवरिंग आपको पचास हजार आठ सौ तक लेके जा सकती है लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी नेगेटिव मार्केट ओपन हो जाता है और पचास हजार तीन सौ के नीचे निकलता है तो फिर ये आपका सीधे आपका पचास हजार तक लेके जाएगा यानी तीन सौ पॉइंट की आपको सेलिंग देखने को मिलेगी ये डेटा आपका बता रहा है ठीक है अब इसी डेटा के साथ अगर हम चलते हैं तो इसी डेटा के साथ देखिए क्या हो सकता है अब यहाँ पे देखिए हम साइकोलॉजी समझिए थोड़ी आप ठीक है डेटा आपका आ गया अब मार्केट में साइकोलॉजी क्या वो थोड़ा साइकोलॉजी समझिए अब देखिए साइकोलॉजी में क्या है नीचे बायर कहाँ पे थे इस जगह बायर थे ठीक है जे बायर पूरा मार्केट को खींच के ले गए ठीक है अब इसमें देखिए सस्टेन कितना किया कल जो मैंने आपको बताया था आपको याद है कि कल मैंने आपको क्या बोला था पचास हजार तीन सौ तक नीचे की साइड आ सकता है फिर वहाँ से सपोर्ट लेगा ठीक है वहाँ से सपोर्ट लिया कल का वीडियो एक बार जाके देख लीजिए ठीक है वहाँ से सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद पचास हजार चार सौ अठारह उन्नीस के आसपास देखिए ऊपर की साइड इसने क्या किया था क्लोजिंग तो किया है ठीक है फिर उसके बाद देखिए अब जो बीच वाले जो लोग हैं देखिए इस इतने जो लोग हैं ठीक है ठीके? इस रेंज के जो लोग हैं ये क्या जे है ये प्रॉफिटेबल है ठीक है जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था ना ये यहाँ पे प्रॉफिटेबल है क्योंकि मार्केट नीचे आया नहीं है ठीक है बिल्कुल नीचे नहीं आया क्योंकि यहाँ पे क्या है इस तरीके की सेलिंग आई है इस तरीके की सेलिंग नहीं है जो आपका जो आता है ना ये बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो इसमें क्या होता है इसमें जल्दी पैनिक होता है छोटी छोटी कैंडल में इतना जल्दी पैनिक नहीं देखने को मिलता है ठीक है अगर ये पचास हज़ार पाँच सौ के ऊपर अगर ये निकल जाता है और इसमें हम देखेंगे 30 मिनट का कैंडल ठीक है 30 मिनट के कैंडल में क्या देखना है ओपनिंग नीचे क्लोजिंग इसके ऊपर प्लस में क्लोजिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है प्लस में अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसमें अपसाइड का मूवमेंट बना सकते हैं लेकिन क्लोजिंग का बिल्कुल वेट रखना है ठीक है ये कंडीशन है इसके ऊपर निकल जाता है तो अपसाइड फिर फिर हमको जो टारगेट देखने वो लेगा जैसे कि हमने ऑप्शन चेन देखा था डेटा देखा था फिर इसमें देखिए पचास हज़ार छः सौ पच्चीस फिर आपका इस जगह पचास हज़ार सात सौ दस फिर आपका एक जगह पचास हज़ार आठ सौ पैंतीस और फिर इसमें पचास हज़ार नौ सौ पचास ठीक है इतना ऑलमोस्ट हम इसमें अपसाइड काम करके चल सकते हैं कंडीशन मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपना ध्यान रखिए जय हिंद बंदे